गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं। साइंस में फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन कहाँ से आया है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये है बुक, इसका ये चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उस सबको भोजन की जरूरत होती है। इफ दे डू नॉट गेट फूड फॉर लॉन्ग टाइम दे डाई। अगर वो लोग को भोजन ज्यादा समय तक ना मिले तो वे मर जाते हैं। फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। भोजन जो है वो एक बेसिक निजी रिक्वायरमेंट है लाइफ का, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, आदमी मर जाएगा। ठीक है। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। भोजन से बहुत सारे लाइफ एक्टिविटी करने में मदद मिलती है। उससे जो एनर्जी मिलता है उसी से हम लोग काम कर सकते हैं अलग अलग तरह का। फूड हेल्प अस टू कीप फिट इन गुड हेल्थ। भोजन हमें फिट रहने में मदद करता है और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए मदद करता है। यानी कि भोजन खाएंगे तो हम चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। भोजन जो है वो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। इट इज एसेंशियल टू बिल्ड न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। ये नए सेल और टिश्यू बनाने में मदद करते हैं। नो वन कैन लिव विदाउट फूड। भोजन के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। चलो कुछ लाइफ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा क्या डॉग, पिक्चर थोड़ा सा घटिया है फिर भी चलेगा। डॉग का चार पैर और ये बना लो डॉग का कान, ये हो गया डॉग का लंबा मुंह, आंख। हाँ तो ये डॉग हो गया, डॉग का आंख नाक मुंह हो गया। अब डॉग क्या खाता है? तो लोग घर डॉग पालते होंगे, उसको तो खाना तो देते नहीं होंगे कभी, फिर भी कभी देखे होंगे अगर खाना देता होगा तो उसके बर्तन में उसको खाना दिया जाता है। ठीक है, ये खाना खाएगा, हड्डी वगैरह खाएगा और खूब खुश रहेगा, घूमे उमेगा, खेले उदेगा। और जिस दिन इसको खाना नहीं दोगे ये उदास रहेगा। ठीक है, अलग अलग जानवर अलग अलग तरह का भोजन खाता है। जैसे बकरी को देखे होंगे घास खाते हुए, शेर घास खाता है, शेर घास नहीं खाता है, शेर बकरी वगैरह या जानवर वगैरह खाता है। ठीक है, और दूसरे जानवर होते हैं वो सब कुछ ना कुछ खाते हैं एनर्जी के लिए, कुछ कंज्यूम करते हैं एनर्जी के लिए। आगे देखा जाए। Now the question arises, ये सवाल उठता है, how much and how many times have to eat food, कितने बार खाना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए खा के हाथी हो गए, ये भी नहीं करना है। कितना बार खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए ये भी जरूरी है। In India, भारत में, अच्छा याद है कार्टून वगैरह में देखे होंगे सुमो को लड़ते हुए, ऐसा आदमी ऐसा ऐसा नीचे नहीं दिख रहा होगा ऊपर देखो, ऐसा आदमी और ये उसका गर्दन और ये उसका बॉडी, ऐसा देखे थे कार्टून वगैरह में देखे होंगे, और जब फिल्म वगैरह आता है उसमें देखे होगी। एक फिल्म था यमला पकला दीवाना, उसमें भी देखे होगी इस तरह का सुमो होता है। वो कैसे होता है, उसको खाना खिलाया जाता है, खूब खाना खिलाया जाता है ताकि वो लड़ाई कर सके, रेसलिंग कर सके। तो वही बोल रहा है कि कितना खाना खाना चाहिए और कितना कब कब खाना चाहिए। इन इंडिया वी जनरली ईट फूड 3 और 4 टाइम्स अ डे।
भारत में हम लोग 3 से 4 बार खाना खाते हैं। कब कब? सुबह में, दोपहर में और रात में 3 बार खाते हैं, कभी कभी चार बार भी खाते हैं। देखो याद करो, 4 बार कब होता है? एक हो गया सुबह, फिर ब्रेक में स्कूल का जब लंच ब्रेक होता है तब, उसके बाद दोपहर में स्कूल से आने के बाद जब मम्मी खाना बना के रखती है, पकवान बना के रखती है, तो वो खाते हो। आते आते मम्मी बोलती है चलो खाना खा लो, बैग को निकाल के फेंक देते हो, उसके बाद खाना खाने चल जाते हो, तो वो खाना खाते हो दो, एक तीसरा बार, और एक बार रात में खाते हो, 4 टाइम। अब देखो, द फूड कंज्यूम्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे कंस्टिट्यूट अ मील। फॉर एग्जाम्पल, फूड टेकन इन मॉर्निंग कंस्टिट्यूट अ मील कॉल्ड ब्रेकफास्ट। जो भी हम लोग खाना कंज्यूम करते हैं उसको मील कहते हैं, भोजन, ठीक है। जैसे कि अगर तुम सुबह में खा रहे हो तो उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली फूड ईटन इन आफ्टरनून, दोपहर के खाने के समय अगर तुम मील ले रहे हो, आर द पार्ट ऑफ लंच, वो लंच कहलाता है। एंड दोज ईटन इन इवनिंग और नाइट फ्रॉम द डिनर, और वो जो शाम में चाहे रात में खाते उसको डिनर कहते हैं, ठीक है। यूजुअली 3 मेन मील्स, 3 मुख्य मील होते हैं, 3 मुख्य बार खाते हैं, भोजन करते हैं। पहला ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर आर कंज्यूम्ड इन डे। एक दिन में ये 3 बार खाते हैं हम लोग। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द डे। हम लोग अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं अलग अलग समय, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से भोजन हम लोग कब खाते हैं, ठीक है। फूड वैरायटी, किस किस तरह के भोजन होते हैं। देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल टू अस, बहुत तरह के भोजन होते हैं जो हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। Some of food that you come across daily are given below. जो तुम लोग रोज खाते हो वो नीचे दिया हुआ है। जैसे देखो, बटर टोस्ट हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, समोसा, राइस, सूप, ये सब रोज खाते हो। खाते हो, रोज तो नहीं होगा, खाते हो डेली लाइफ में, कभी ना कभी तो कंज्यूम करते ही हो। सैंडविच, सैंडविच वो ब्रेड के दो बीच वाला बीच में रख के खाते हो। मटन, एक अंडा, टी, चाय वगैरह, डोसा, कॉर्नफ्लेक्स, वो टीवी पर चल नहीं देखो, चौकोस दूध के साथ क्या दो, चौकोस वाला, इडली, ब्रेड, मिल्क, दूध, ड्राई फ्रूट्स, सूखा फल। सूखा फल में क्या क्या आ जाता है तुम्हारा, बादाम आ गया, अखरोट आ गया, काजू वगैरह आ गया, ये सब सूखा फल। कॉफी, सलाद, ये भी खाए हो कभी ना कभी। चपाती, रोटी को चपाती कहते हैं। पल्सेस, दाल, ये भी खाए हो। बर्फी, फ्रूट्स, जैम्स, ये सब कभी ना कभी डेली लाइफ में तुम लोग कंज्यूम किए ही हो। आर यू अवेयर व्हेन यू ईट दीज फूड आइटम्स, क्या तुम जानते हो कि तुमने ये सारे फूड आइटम कंज्यूम किया है? क्या तुम जानते हो कि तुमने ये सारे फूड आइटम कंज्यूम किया है? हाँ, समोसा वगैरह तो जानते ही हो तुम लोग, समोसा कौन नहीं खाता है, नहीं इंडिया में रहते हो और समोसा नहीं खाते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो आगे देखो, एक्टिविटी देखो। अ नंबर ऑफ फूड आइटम्स आर केप्ट बिफोर यू, एक नंबर ऑफ फूड आइटम रखा गया है तुम्हारे सामने। दीज आर, वो है क्या क्या है, चपाती है, रोटी है, कर्ड दही है, और बनाना, केला है, इडली, एग, टी, फिश, मिल्क और
पराठा, पनीर, मिल्क, समोसा, एप्पल, पल्सेस, राइस, सांभर, वड़ा, दलिया, जैम, स्पैनिश, मीट, सलाद, स्प्रोटेड ग्राम, ये सब है। अब ये लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम लोग को टेबल में, तो सोचो कौन कौन से किस समय खाते हो, ये सोच के बताओ। तो सो गए क्या? हाँ, बना बना। चलो यहां तो दिखेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, दिखा देते हैं। ये सब लिखा है, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, लंच में क्या खाते हो, डिनर में क्या खाते हो। चलो देख लो, इसको देख के अपना बना लेना। रोक के देख लो। हाँ तो ठीक है, ये सब हुई किताब की बात है। तब बताओ कितने बार इसको फॉलो करते हो, कभी फॉलो किए भी हो कि नहीं इसे? तुम लोग तो कभी भी किसी भी भोजन को खा लेते हो। हम लोग कभी भी किसी भी भोजन को खा लेते हैं, कभी मीट खा लेंगे सुबह में, दोपहर में, रात में, कभी मछली, कभी पालक पनीर सुबह बन गया, रात को पार्टी हुआ तो पालक पनीर, सुबह दूध, दोपहर दूध, रात दूध, दूध ही दूध। हम लोग कभी भी किसी भी भोजन को कभी भी खा लेते हैं, लेकिन उस सब का एक टाइम बना हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम रखा गया है कि वो समय पे वो खाना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम एक्टिविटी वन? इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सर कुछ नहीं। क्यों? सर हम कभी भी किसी भी भोजन को खा लेते हैं, तो हमसे क्या इंफॉर्मेशन मिली इसको? हम जाएंगे इसको रट के एग्जाम में दे देंगे एग्जाम, बस ये इंफॉर्मेशन मिला? नहीं, देखो क्या इंफॉर्मेशन मिला, ये देखो। डाइट, देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन फूड आइटम्स डैट वी ईट। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स की वैरायटी होते हैं, दाल, चावल, गेहूं और सब्जी में बहुत सारा आ गया, आलू, परवल, बैगन, भिंडी, परवल, करेला, लौकी, बहुत सारा आ गया, अलग अलग तरह के वैरायटी होते हैं। ठीक है, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी, इमरती, कुछ के तो मुंह में पानी आ गया होगा, देखो देखो कुछ के मुंह में पानी आ गया होगा। चलो आगे देखो, खाने का ध्यान नहीं लाओगे मन में, चलो आगे देखो। वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस टू ईट फूड आइटम्स एट डिफरेंट टाइम्स। हम लोग के पास अलग अलग तरह के फूड वैरायटी के आइटम्स होते हैं, अलग अलग तरह के चॉइस होते हैं उसमें, हम लोग कभी ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, अलग अलग चुनने का वैरायटी होता है। ठीक है, हम लोग अलग अलग समय पे भी खा सकते हैं इसको। चलो तो अभी के लिए रोका जाए, आगे के वीडियो कल कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए अगर इसी चैनल बने रहना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो, तुमको ये यूट्यूब चैनल पता है तो सब्सक्राइब कर लेना।